देखिए पिक्टन का मार्केट है, ये पिक्टन है, ये पिक्टन का मार्केट है, ये पूरा छोटा सा पिक्टन है यहाँ, यहीं पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखिए मरीनर्स मॉल है, पर बस उस पहाड़ों के बीच में है, ऊपर पहाड़ हैं, बीच में जितनी सरफेस जगह मिलती है उसी में ये लोग अपने छोटे छोटे घर बना लेते हैं। ये देखिए लकड़ी के घर होते हैं, इस तरीके के लकड़ी के घर बने होते हैं, यहाँ कभी भूकंप आ सकता है तो सारे घर जो हैं वो लकड़ी के ही बने होते हैं। के सामने पहाड़ों पर किस तरीके से घर बने होते हैं। ये देखिए पिक्टन में एक जगह है, पिक्टन के ठीक सामने बीच में ये मरीनर्स मॉल है, यहाँ पे छोटा सा मॉल है, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। हाय, हाउ आर यू? ऑल गुड? या ऑल गुड, वी आर जस्ट शोइंग दिस मरीनर्स मॉल बिकॉज़ इट्स रियली वेरी गुड फॉर अस हियर, एवरीथिंग buy, you can buy here. You can buy everything. Yeah. And talk to strangers. Yeah. तो ये देखिए मरीनर्स मॉल है, लेट्स सी वहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती हैं। ये देखिए यहाँ मरीनर्स मॉल है, हार्बर ऑफिस के पास ही है, और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे ड्रॉप कवर एंड होल्ड, चूंकि यहाँ पे ये सी एरिया है, सी के पास का एरिया है। वेट फॉर शेकिंग स्टॉप एंड इमीडिएट केयरफुली स्मॉल स्टाफ आर नियरबाय। देखिए साफ है, अगर यहाँ पे आपको अर्थक्वेक का फील हो रहा है तो ये देखिए किस, ये यहाँ पे मॉल है, देखिए मॉल में आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये फ्रेश ग्राउंड क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, देखिए फ्रेश वेजिटेबल्स क्या क्या मिलती हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे बल्क फूड भी मिल रहा है, यहाँ पे बल्क फूड में देखिए ये कन्फेक्शनरीज़ में ये तमाम चीज़ें यहाँ मिलती हैं, और चॉकलेट्स हैं बेसिकली, ये अलग अलग प्रकार की अलग अलग कलर्स की चॉकलेट हैं, लगभग 1.30 डॉलर की चॉकलेट है ये। ये देखिए यहाँ पे बल्क फूड्स में, और ये देखिए बल्क फूड्स में आपको यहाँ पे नट्स मिल रहे हैं, सीड्स मिल रहे हैं, ये $4 का देखिए मिल रहा है पर 100 ग्राम है, ये यहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट 1.89, मतलब समझ लीजिए $1 लगभग 50 रुपये के आसपास होता है। और ये देखिए किस सारे सीड्स यहाँ मिल रहे हैं बल्क में, सारे आपको सारे सीड्स यहाँ मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे जो बनाना है, ये देखिए बनाना जो है ये आपको मिल रहा है, यहाँ पे लूज बनाना मिल रहा है, ये देखिए आप 3.49 पर केजी, यानी 1 किलो है ये लगभग साढ़े तीन डॉलर का मिल रहा है। और ये देखिए पाइनएप्पल जो है, ये पाइनएप्पल यहाँ मिल रहा है, फ्रेश पाइनएप्पल है, ये आपको यहाँ मिल रहा है $1.3। ये देखिए पम्पकिन है, ये लगभग यहाँ पे $4 का मिल रहा है, कद्दू है ये। जी हाँ, हल्का सा इन जनरल आपको यहाँ का दिखा देता हूँ मॉल कैसा होता है, जैसे मैंने आपको भी दिखाया ड्राई फ्रूट और तमाम सारी चीज़ें कैसे कैसे मिलती है। ये देखिए कैप्सिकम है, हरी कैप्सिकम भी है, ये सब $4.50 की मिल रही हैं। जी हाँ, और आप ये देख सकते हैं कि सब्जियों में यहाँ जो है आपको पत्ता गोभी मिलेगा, फूल गोभी मिलता है, ये देखिए हरा फूल गोभी मिल रहा है यहाँ, ये है ब्रोको कॉफलर, ये है ब्रोकली जैसे ही है मतलब ये। और ये देखिए यहाँ पे कैसी आपको मूली मिलती है, ये देखिए यहाँ पे गाजर, देखिए महंगा बहुत है, लगभग $2-3। ये देखिए आप यहाँ पर, ये यहाँ पर आप इसे कहते हैं बीट रूट, देख लीजिए ये साढ़े चार डॉलर का मिल रहा है। यहाँ पे इस तरीके की ग्रीन लीव्स बहुत खाते हैं, ग्रीन कैल ईच मिल रही है, ये देखिए ये इस तरीके से मशरूम मिल रहा है, वाइट बटन मशरूम है ये 16.99 का है। तो ये देखिए इस तरीके से चीज़ें मिलती हैं यहाँ, ये इस तरीके से ग्रीन लीव्स और फ्रेश चॉइस में ये लोग बहुत खाते हैं। ये देखिए आप, ये है थाइमी बैग हाफ स्ट्रे 389 की है ईच, ये एक है ना। और ये देखिए आप, ये लिट्यूस एंड हब है, ये बैंक मिक्स लिट्यूस है, सो मेनी थिंग्स आर हियर। गुड डे, या गुड कॉल यू से, या आई एम जस्ट शोइंग व्हाट द आइटम हियर इज अवेलेबल। ओके, यहाँ का देखिए लेमन, देखिए तो आज तो मैं देखिए रेट के साथ ही आपको दिखाता जा रहा हूँ ऑल द थिंग्स, इफ यू वांट टू सी जस्ट सी।
ये देखिए आप मैंड्रेंस हैं, मैंड्रेंस देखिए 549 का है, ये सेव कर सकते हैं। ये शायद नास अब मैं ये देखिए ये पियर्स है, यानी ये इसको नास नहीं पियर्स कहते हैं इसको, ये देखिए आप। तो इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे केक वेक्स भी मिल रहे हैं। ये देखिए यहाँ ये मैड्रेन है, ये जो है ये आप देखेंगे ये हमारे यहाँ संतरा कहते हैं इसको, यहाँ पे इसको मैंड्रेन कहते हैं। ये देखिए ये मिल रही है मैंड्रेन जो है 4.99 पर किलो जी। ये देखिए आप मिक्स मफिन्स भी मिल रहे हैं 4.99 के, कॉफ़ी रोल मैदा है, तमाम चीज़ें हैं। ये देखिए चीज़ हैं, बेकन है, ये देखिए जूसेस आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। तो एक लगभग छोटा सा मॉल है लेकिन वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल रही हैं। और मैं आपको ये वाइन के सेक्शन में ले चलता हूँ, ये देखिए वाइन भी मिल रही हैं $26, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत वाइन के लिए ही जाना जाता है। तो ये देखिए तमाम सारी वाइनें हैं $25-26 की हैं। ये देखिए आप यहाँ पे ये पिनेट नोयर की वाइन है, ये रेड वाइन है, रेड वाइन को ये फ्रिज में नहीं रखा जाता है। तो ये पिनेट नोयर की सारी वाइन से लगभग $13, $14, $15, $20 ऐसे सारी वाइन्स यहाँ मिल रही हैं। ये देखिए आप नीचे भी आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत सारी वाइन्स यहाँ मिल रही हैं। ये देखिए आप सेव कर सकते हैं यहाँ पे, सॉवरेन ब्लैंक मिल रही है यहाँ पे, बहुत सारी वाइन्स हैं अलग अलग 24-25, मतलब $10 से लेके आपको $50 तक की वाइन ही वाइन मिलेंगी। और ये सब चीज़ें यहाँ मॉल में मिलती हैं। ये देखिए ये सॉवरेन ब्लैंक है, ये श्रॉडने हैं, ये श्रॉडने हैं, श्रॉडने आप देखेंगे ये भी लगभग 10 से लेके $25 तक मिल जाएगी आपको। इधर आप देखेंगे स्पार्कलिंग वाइन होती है जो जिसमें एक तरीके से बबल्स फूटते हैं। और ये देखिए ये फिर शिराज भी मिलेगी आपको, ये शिराज देखिए, ये मेरलोट देखिए, और ये पिनेट नोयर देखिए। ये पिनेट नोयर जो रेड वाइन होती है एक तरीके से, ये रेड वाइन है, वाइट वाइन नहीं है। और ये सब देखिए ये सब चिल्ड वाइन है जो इसमें रखी गई है, इसमें रेड वाइन नहीं रखी जाती है। और अच्छे से देखिए पूरा लगभग छोटी छोटी वाइनें हैं, बड़ी बड़ी वाइनें लगभग $20 आप देख सकते होंगे। और ये जो मैं आपको बता रहा था ये जो सेक्शन है यहाँ का, ये देखिए ये यहाँ पे ऐसा चिलर, तो ये इस तरीके का चिलर होता है। ये देखिए इसमें साफ साफ लिखा है इंटॉक्सिकेशन में नहीं है, माइनर्स को नहीं मिलेगा, और अल्कोहल जो है ये यहाँ बच्चों को नहीं मिलता है। ये देखिए इस तरीके का यह मॉल होता है और लगभग आपको कमोबेश सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। ये देखिए आपको तमाम सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी और मोस्टली सब पैक्ड आइटम मिलेगा। ये सारे ये आपको जिस तरीके का फाइबर आलमंड के साथ मिल जाएगा, दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी, ये वीट बिक्स मिल जाता है यहाँ पे, और ये पिक्टन है जहाँ जगह, ये मरीनर्स मॉल है यहाँ पे। ये देखिए कैलॉग्स की चीज़ें मिलेंगी, नेस्ले की चीज़ें मिलेंगी, सारी चीज़ें आपको ये देखिए मिलती हैं यहाँ पर। इस तरीके का मॉल होता है ये देखिए ये इस तरफ सेक्शन है पूरा वाइन का, वो देखिए वो उधर बियर लिखा है और ये वाइन लिखता है। यहाँ हार्ड लिकर नहीं मिलती है, हार्ड लिकर नहीं मिलेगी यहाँ पर आपको। ये फ्रेश ग्राउंड्स में जो वेजिटेबल का मार्केट है वो आपको मिल जाएगा, उसमें इस तरीके से यहाँ पर रखा जाता है। ये देखिए आप पोटैटो देख लीजिए आप यहाँ पर 2.99 केजी का है, ये देख लीजिए आप इस तरीके से सारी चीज़ें आती हैं। कद्दू यहाँ बहुत खाते हैं लोग, ये देखिए पोटैटो के पैकेट्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये वॉश पोटैटो भी मिलते हैं और आपको ये बगैर वॉश हुए भी पोटैटो मिलते हैं पर 10 केजी का। ये देखिए 10 किलो का जो प्रोडक्ट है ये एग्रिया का, ये $15 का है जी, ये $15 के आपको मिल रहे हैं। और ये 5 केजी का जो है ये लगभग $10 का मिल रहा है। ये देखिए आप तो यहाँ इस तरीके से ये काउंटर होते हैं, आप खुद भी अपनी बिलिंग कर सकते हैं, अपने खुद ही बिलिंग करके खुद ले जा सकते हैं सामान को सारा और तमाम तरीके का। ये देखिए यहाँ पे मतलब एक छोटा सा मॉल है जहाँ लगभग ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए अचार भी मिल रहा है यहाँ पे, पिकल भी मिल रहा है बैना स्टोरेज में।
इस तरीके से बिलिंग हो जाती है। ये देखिए, ये मॉल है, फ्रेश चॉइस सुपरमार्केट। तो इस तरीके से मैंने आपको एक जनरल बता दिया कि इस तरीके का मॉल होते हैं यहाँ पे। ये देखिए, मौसम कमोबेश यहाँ ऐसे ही बना रहता है। कभी यहाँ बारिश हो जाती है, देखिए अभी हम लोग आए थे, ये यहाँ बारिश होने लगी। इस तरीके की यहाँ गाड़ियाँ होती हैं, आपको जो भी काम करना है अपनी गाड़ी के पीछे इस तरीके का ट्रॉला लगा सकते हैं, चाहे कितने बड़ा ट्रॉला हो। ये देखिए फिश, ये अपनी बोट ले जाने का ट्रॉला है, ये अपनी बोट पे ले जा सकते हैं, बोट रख के ले जा सकते हैं। पूरे तरीके से आप छोटा ट्रॉला, बड़ा ट्रॉला, ये सारा कुछ रख सकते हैं आप। तो दोस्तों, ये था पिकटन का सफ़र। अब ये पिकटन का सफ़र मेरा यहीं ख़त्म हो रहा है और अब मैं रवाना हो रहा हूँ वेलिंगटन के लिए। वो सफ़र भी आपको दिखाऊंगा जो मैं समुद्र से पूरा करूँ। तो अगर आपको मेरी ट्रेवल जर्नी अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें।